हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्प मित्र संजय नंदरवार में। दोस्तों आज भोने यहाँ से हमें कॉल था, यहाँ पर जो ईंट भट्टा है यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने कोई सांप देखा था तो उन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। तो हम उनका बताना है कि ये जो रूम है सांप यहाँ पर घुसते हुए उन लोगों ने देखा था, तो हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं उससे, देखते हैं सांप कौन सा है, उसे रेस्क्यू करेंगे। पर काफी ये देखिए खेत है, खेत से लगकर ये यहाँ पर जो है ईंट भट्टा है और यहीं पर इन लोगों ने अपना घर भी बनाया हुआ है रहने के लिए। दो मिनट सर कौन कहता था मेरा फ्रेंड है दर्शन भाव सर, वे फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में है, फिर भी अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लेता है, इसके लिए इस रेस्क्यू को मैंने उसे ही करने के लिए बोला है। दादा ये फटाफट आए रखे थोड़ा तो मिलता है। तो चलिए दोस्तों सांप जो है वो दिखाई दिया है यहाँ पर, कौन सा है ये हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। मेरा फ्रेंड है दर्शन भाव सर, ये इसे निकालेगा बाहर। दोस्तों यूट्यूब पर जब से मेरा चैनल बना है उसके बाद से या जब से मैंने सीखना स्टार्ट किया है तब से उसका पहला वीडियो रहेगा जो यूट्यूब पर अपलोड होगा। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना दोस्तों। देख लो तू इकड़े दादा फक्त कॅमेरा धरू
जाता है भैया। भला मोबाइल वाला नहीं चल लूँ। चल चल इधर आ जा जल्दी पटके। कोई इंडियन रैट स्नेक या जिसे हम दामन कहते हैं, ये सांप हमें यहाँ पर मिला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लगाते हुए इसे हम पैक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इंडियन रेड स्नेक जिसे हम दामन बोलते हैं, ये पूरी तरह से बिना जहर वाला सांप है, नॉन पॉइजन स्नेक है दोस्तों। ये अगर किसी को काट भी ले तो इससे किसी को कोई खतरा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए पैक करेंगे। हाँ, हेड कैच मत कर, फिर इसे जंगल में जाके रिलीज कर देंगे दोस्तों। गोंटी देखो चांगली दे, जा फट ले ना कर दिया। हाँ जो था ना नक्की। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ये काम करने वाले लोग थे बहुत ही डरे हुए थे इस सांप की वजह से, बट अब इस सांप को रेस्क्यू करने के बाद इनके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी है, जबकि इस सांप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने इसे रेस्क्यू तो कर लिया है अब, और जंगल में जाके इसे रिलीज़ कर देंगे दोस्तों। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए।